मेहुल, इट्स नॉट फनी, लीव इट ना। मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, बंदी में गट्स हैं। देखो फिर आ गई, लगता है घर से ऐसे ही उठ के आ गई है। यार ऐसा कौन करता है, वो भी कॉलेज के पहले ही दिन पे। आओ हवेली पे। लगता है मैडम की नींद पूरी नहीं हुई। कॉलेज में कर लेगी, क्या करेगी क्या पता। आज बड़े शहर की लड़की है भाई साहब, गंदी बात। मैडम को गुस्सा आ रहा है। ये इडियट से हारे, ये कॉलेज के लड़के ना भी हॉस्टल रूम समझते हैं इसको, और इसको गंदा करते रहते हैं, तो इग्नोर करने। एग्जैक्टली मैं भी यही कर। गंदी बात, गंदी 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 बात। तुम लोग जो यहाँ बैठ के कर रहे हो वो अच्छी बात, और मैं करूँ तो गंदी बात। पता है क्या, मेरी वाली गंदी बात ना तुम सबको करनी चाहिए क्योंकि वो हेल्दी है। काश तुम्हारे पेरेंट्स ने एक गंदी बात वाला पैकेट यूज किया होता, तो आज तुम लोग यहाँ बैठ के ये यूजलेस बातें नहीं कर रहे होते। लहसुन की चटनी होती तो और मजा आता। अरे मसाला है ना इसमें। अरे लहसुन। अर्ज किया है, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। बताओ क्यों? क्यों? क्योंकि हम तो तुम्हारे दोस्त है ना। ऐसा हो जाता है इनका, समझ रहे हो? वैसे पंकज भैया दोस्ती करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमको मूंगफली खिला रहे हैं। बेटा मैं तुम लोग को मूंगफली इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ, और कभी कभी मुझे तुझ जैसे गरीब छात्र पे ना दया आ जाती है। ये दया इनाया के पहले तो कभी नहीं आई इस गरीब छात्र पर। सही है, कर लो पहले ये कर लो। बेटा तुम बहुत साइड ले रहे हो उसकी। पंकज भैया वैसे तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, पर एक वीडियो दिखाना था। ये फर्जी क्लिप तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये हम थे वहां पे, फर्जी नहीं है। तुम जानते हो मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है। यार पंकज तुम्हारी मम्मी तो डर जाएंगी देख लिया तो। यार डर तो हमारी माँ भी जाएंगी। अरे किसकी माँ नहीं डरेगी। ये दोबारा दिखाओ। तुमको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, दोबारा दिखाओ। हम डिलीट कर देते हैं। हम करो डिलीट। हाय आई एम रोहित, कैन आई सिट हियर? श्योर। वो एक्चुअली मैं सॉरी बोलने आया था। मतलब? वो कॉन्डम वाला जिफ, वो मेरे लाइफ में रिकॉर्ड हो गया था, और तब तक वो किसी एक सॉरी और बात खत्म। You can't even imagine what I'm going through. तुम ऐसे वीडियोस वायरल करते हो। कल रात से इतने फोन और मैसेजेस आ चुके हैं मुझे, यूनिवर्सिटी में टीचर स्टूडेंट सब मुझे मिस गंदी बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक मुझे उस लाइफ का पता चला मैंने वो लाइफ डिलीट कर दिया, पर तब तक किसी और ने उसका। रोहित राइट? हाँ। Can you do me a favor? हाँ? Just leave me alone. देख रहे हैं आप? नहीं, अंधे हैं हम। आंखों की ज्योति तो चली गई है हमारी। नाया जी खा के बताइए ना कैसा बना है। सुबह से गालियां खा खा के पेट भर चुका है। पापा जी के फोन पे आपका वीडियो कहीं से आ गया था, तो मम्मी जी ने हमें भी दिखा दिया। प्लीज अब तुम भी मत शुरू हो जाना। नहीं नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि बैग में पैकेट होना अच्छी बात है। आज हमारे बैग में होता तो अच्छा होता। सुबह से तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे ब्लेम नहीं किया। नाना जी आप परेशान मत होइए, हम हैं यहाँ आपके साथ। चटनी के साथ? हाँ। सुष्मिता तुम तो मास्टर शेफ हो यार। पता नहीं हमारे कॉलेज में समोसे के नाम से कौन सा गंदा मजाक मिलता है। वैसे हम ना कुछ सोच रहे थे, मतलब एक आइडिया है। हम बताएंगे तो आप हंसेंगी तो नहीं? नहीं हंसूंगी, बताओ। समोसे में चटनी डाल बेटा। बनवा देंगे ना समोसा चटनी आप भी बस। शुश डब्बा बहू आज तो तुम भोरे-भोर उठ गई हैं? जी, और नाश्ते में आप लोगों के लिए समोसे भी तल दिए। ये काम तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम्हारे पापा जी ना बहुत खुश हो जाएंगे। ओए बंदे के ताबी ओ बेताबी ना छुपा, युद्ध के अरमानों वाली कॉपी ना छुपा, तुझको अगर मोहब्बत है तो खुल के तू जता, खुल के तू जता। वाह 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 प्रेरणा, तू तो प्रेम नगर की नया कक्कर निकली। थैंक यू रोहित। समोसे आज कुछ तो अलग है, बहुत टेस्टी है। इना की कोई तो लैंड लेडी ने बनाए हैं। पता है खाया हमने। मैं क्या कह रहा था, हम लोग कोलैब क्यों नहीं करते? तेरा सिंगिंग मेरा डांस, अरे मेरे फैंस पागल हो जाएंगे। आइडिया बुरा नहीं है। वो रोहित एक्चुअली वो क्या है ना, मैं थोड़ी कैमरा शाय हूँ तो मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है तुम सोच के बताओ मुझे, मैं चलता हूँ। समोसे अच्छे हैं, चटनी ले ले। बेबी तुम्हारी वॉइस कितनी स्वीट है, कितना अच्छा गाती हो तुम। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे लिए गाओ और किसी के लिए नहीं। You love me, only me. Yes, I love you, only you. और मैं रोहित के साथ गाना नहीं गाऊंगी। दो कॉफी। थैंक यू। बहुत देर हो गया, आज थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अब उनके जाने से पहले तो कैसे ही आ पाते हैं? अरे बहू वही तो हम कह रहे हैं ना, बिटवा के ऑफिस जाने से पहले आते तो बिटवा भी प्रसाद खा के ऑफिस जाता कि नहीं। हाँ जी आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ आप क्या ले रहे हैं जी? एक ये बाल गोपाल का माला ले लें। अरे बहुत नीक लग रहा है, एक ठो लीजिए ना। हाँ तो हाँ। ले लेते हैं, एक और दे दो।